You say all the right things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. Yeah, you just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. It feels right. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could. You get me high, you're my drug when I am feeling blue. It's all you. Hello friends, welcome back to Read Up की journey. अभी मैं fruit bowl खा रही हूँ और साथ ही साथ आज मैंने अपना breakfast skip कर दिया है क्योंकि मेरी maid आज से 15 दिन के लिए नहीं आएगी और मुझे वो सुबह काम करना था, मुझे अभी भी पता चला, तो मैं वो काम करने लगी और कहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया. नहीं करके अब सीधे लंच कर लूँगी 12 बजे. जब आप कुछ करने जाते हो ना, तब पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा जिससे आपका वो फ्लो टूट सकता है, जैसे कि मेरे साथ हो गया कि 15 दिन के लिए मेरी मेड नहीं आएगी. बट हम अपना डाइट प्लान कंटिन्यू रखेंगे, जैसे भी एक दूसरी मेड खोज के, हाउस हेल्प खोज के, कि मेरा डाइट प्लान चलता रहे. ऐसे ही आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ हमेशा होगा. कोई ना कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो रुकावट हो ही जाता है, जैसे कि मेरे साथ हो गया, हर किसी के साथ होता है. अब मेरा लंच टाइम हो गया. आज लंच में मटर पनीर 130 ग्राम और साथ ही साथ राइस है 100 ग्राम. मैंने राइस को रोटी से रिप्लेस कर दिया. एक दिन वीक में था मेरे राइस, जिस दिन सांभर था, बट मुझे उस दिन रोटी खाने का मन था और आज मुझे राइस खाने का मन है, तो मैं आज राइस ले ली. अभी बज रहा है शाम का 4 और मेरा चल रहा है टी टाइम और स्नैक्स टाइम. आजकल हम कॉम्बाइन कर दिए अपना लेमन जिंजर टी और मखाना को स्नैक्स टाइम को. और आज मैं इतनी रेडी क्यों हूँ, क्योंकि मैं एक शूटिंग कर रही हूँ आप लोग के लिए, एक वीडियो बना रही हूँ, एक हॉल जो आज सुन आने वाला है. तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो. वो हॉल का वेट करना आप लोग और कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ. मैं मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा वेट लूज की हूँ. यही ड्रेस हम आजियो वाले हॉल में पहने थे, आजियो हॉल में ही ये ड्रेस मंगवाया था, तो उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी ऊपर में. जो मेरा आजियो का वीडियो मैं शूट कर रही थी वो मेरा खत्म हो गया है. अब मेरा वर्कआउट में आज थोड़ा लेट हो गया, मैं फटाफट वो वर्कआउट कर लेती हूँ. लेट से ही मगर छोड़ना नहीं है, तो मैं फटाफट वो करके कंप्लीट करती हूँ. मेरा फिर डिनर टाइम भी हो जाएगा. Depends.
मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया था और हम अपना अजवाइन वाटर बनाने चले गए थे प्री डिनर ड्रिंक, तो अब हम वो पी रहे हैं। ये रहा मेरा प्री डिनर ड्रिंक। अब मेरा एक्सरसाइज थोड़ा अच्छे से हो रहा है मेरे से, जो एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमको खुद को एक्सरसाइज करने में। आज के डिनर में स्प्राउट सैलेड है, तो मैंने स्प्राउट लिया है। मिसकैलकुलेशन हो गया, स्प्राउट 200 ग्राम लेना था बट हम 120 ग्राम लिए हैं और 80 ग्राम जितना बॉइल्ड छोले ले लिए हैं। चलिए अब इसमें हम सब्जियां ऐड कर लेते हैं अपनी, टमाटर, प्याज और मिर्ची। ये मैंने चाट मसाला डाल दिया थोड़ा। अब डालते हैं ब्लैक पेपर, अब डालते हैं जीरा पाउडर, अब डालते हैं लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा नमक, थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दे रहे हैं। तो सौरभ ने नींबू स्क्वीज कर दिया है। अब अपने लोग जो धनिया चटनी बनाए थे वो डाल लेते हैं। अब अपने मिक्स कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्विक टेस्टी और इजी डिनर रेडी हो गया। तो हम अपना 200 ग्राम अब हम अपना 200 ग्राम सैलेड निकाल ले रहे हैं। तो मेरा सलाद रेडी है जैसा आपने देखा। अब हम लोग खा लेते हैं इसको। जैसा कि आपने देखा मेरा सलाद रेडी था, मैंने टेस्ट किया और ये थोड़ा क्रंची फ्लेवर आ रहा है। हम ये खाते ऐसा नहीं, स्प्राउट सलाद हम नहीं खाए, बट आज हम कुछ यूनिक कर दिए। इसमें चना भी मिला दिए, काबली चना उबाल करके, तो ये बहुत मस्त लग रहा है। अब हम खा लेते हैं। ये खाने के बाद वॉक पे जाएंगे, 30 से 40 मिनट का जो मेरा डिनर के बाद का वॉक है वो करेंगे। बाय बाय।